नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश सरकार क्वालिटी एजुकेशन से समझौता करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि सातवें चरण के बहाली के लेकर प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने के बजाय नई नियमावली बिहार की सरकार जारी कर देती है और कहती है कि अब जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके ही नियुक्त होंगे। और बहाना ये दिया जाता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं कर सकते हैं। ढंग के शिक्षक अगर पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद जातीय जनगणना के नाम पर शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय जातीय जनगणना करने में लगा दिया जाता है और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सीनियर छात्रों को थमा दी जाती है। पूरा मामला क्या है जानिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति आधारित जनगणना परियोजना के दूसरे चरण में निर्धारित तैनाती के कारण पटना जिला प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब सीनियर छात्र जो हैं वो अपने शिक्षकों की अनुपस्थिति में जूनियर छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को, साथ ही प्रभारियों को और ब्लॉक और जिला स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है और उसी सरकारी निर्देश में कहा गया है कि अगर शिक्षक जातीय जनगणना में फंसे हों, बिजी हों, तो उस परिस्थिति में जो सीनियर छात्र हैं वो अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाएंगे। दरअसल जात पात को लेकर बिहार में सियासत लंबे समय तक चलती रही। चरवाहा स्कूल का भी बिहार का अपना इतिहास है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बिहार सरकार ने जूनियर छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सीनियर छात्रों को सौंप दी है और शिक्षकों को लगा दिया है जातीय जनगणना में। तो बड़ा सवाल है कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर नई नियमावली, सातवें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को थमाने वाली सरकार अब क्या जातीय जनगणना करवाने की जब बात आती है, जातीय जनगणना में काम करने की बात जब आती है, तब शिक्षकों को लगाकर आखिर क्यों छात्रों के क्वालिटी एजुकेशन से समझौता कर रही है। पटना से हमारे संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट आप देख रहे थे।